मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, वैसे ब्लू इकोनॉमी का विकास विदर्भ में करना ये आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं है। निश्चित रूप से हमारे विदर्भ में और देश में ये बहुत बड़ी इकोनॉमी बन सकती है, पर सबसे पहले हमको इस क्षेत्र के हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इसको समझना होगा। मैं चुरू डिस्ट्रिक्ट में हेलीकॉप्टर से जा रहा था तो वहां के एमपी मेरे साथ थे। अब नीचे देख रहा था तो ना पेड़ दिख रहा था ना कुछ नहीं, पूरा रेगिस्तान था। तो मैंने वहां से उनको पूछा कि यहां तो कुछ नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 700 किलोमीटर की है और बाद में पाकिस्तान की बॉर्डर है, तो यहां बहुत बड़ी समस्या है। पर अभी अमेरिका से हमारे आंध्र प्रदेश में काम करने वाले, वहां का जो एमपी है उसके भाई अमेरिका में काम करते हैं, वो यहां आए, उनने इन्वेस्टमेंट की और यहां से हम 2000 करोड़ का वो ये जो प्रॉन्स है वो तैयार करके अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं। तब मेरे मन में आया कि राजस्थान में वहां सॉल्ट वाटर है, तो हमारे यहां विदर्भ में मूर्तिजापुर, अकोला, बुलडाणा और अमरावती, इसके बीच में एक खानपान पट्टा है जहां का पानी सॉल्ट है, ज्यादा उसमें समुद्र का पानी है, तो वहां हम 5 एकड़ 2 एकड़ के तालाब बनाकर हम सॉल्ट वाटर के झींगे वहां तैयार क्यों नहीं कर सकते। वैसे मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं ना मैं खाता भी हूं, पर अभी एक महीने भर पहले मेरे लड़का एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करता है, तो उसने 40 कंटेनर फिश सर्बिया को एक्सपोर्ट किया, तो उसने वो गोवा से खरीदी किया। तो कल मैं राणे साहब से बात कर रहा था, वो बोले मेरा भी बिजनेस है, मुझे पता नहीं था। तो जहां समुद्र है वहां तो अलग बात है। एक याद हुई, एक मुझे बताऊंगा, मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने 1.25 करोड़ का एक विशेष रूप से जिसमें बर्फ का कारखाना है, कोल्ड स्टोरेज है, सब प्रकार के इक्विप ऐसा एक ट्रॉलर बनाया था, और बाद में कोचिन शिपयार्ड में, कोचिन में वो बनाया, और तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं जो श्रीलंका में घुस जाते थे, तो उनको ये ट्रॉलर भारत सरकार के ओर से दिए गए। अभी ये जो ट्रॉलर है ये 100 नॉटिकल माइल तक समुद्र में जाता है और हमारे फिशरमैन की बोट केवल 8-9 नॉटिकल माइल तक जा सकती है, तो इसलिए जो नजदीक है वो छोटे छोटे फिश वो कैप्चर होती है और दूर के फिश हम ले ही नहीं पाते। दूसरी बात, ये तो समुद्र की बात है जिसका हमारे साथ संबंध नहीं है, पर हमारे यहां विदर्भ में 6000 मालगुजारी तालाब है और इन तालाबों से स्वीट वाटर के फिश झींगे भी तैयार हो सकते हैं, इसका प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट, इसमें विशेष रूप से व्यवस्था करने की आवश्यकता है। हमारे यहां जो सीड है फिश का वो अच्छा डेवलप करने की आवश्यकता है। बीच में हमने मंत्री जो सुधीर मुनगंटीवार उनके साथ बैठकर वेटरनरी यूनिवर्सिटी में काफी इस पर अध्ययन किया और वो अब पॉलिसी बना रहे हैं, तो आपको जैसी चाहिए वैसे पॉलिसी वो बना के देंगे। तो हमारा कोशिश यह है कि हम जो वर्ल्ड क्लास के अच्छे फिश है, प्रॉन्स है, जिसका हम एक्सपोर्ट करके वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उसका निर्माण विदर्भ में कैसा हो। ये निर्माण करने के लिए सीड से लेकर तालाब बनने तक क्या क्या फैसिलिटी हम हमारे किसानों को और फिशरमैन को उपलब्ध करा के दें, और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर उसका प्रोसेसिंग और पैकेजिंग कैसा करें, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हमने अभी सिंधी में ड्राई पोर्ट शुरू किया है, सैटेलाइट पोर्ट,
उसका मतलब ऐसा है कि मुंबई का समुद्र नागपुर में आया है, यहां से डायरेक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप कर सकते हैं। मैं खुद, मेरे यहाँ एक यूनिट है, हम लोग 15 कंटेनर सब्जियां काटकर उसको IQF में डालकर वो साल भर ताजी रहती है, अब अमेरिका, कनाडा, दुबई और दोहा भेज रहे हैं, तो फिश भी जा सकता है। और इसलिए IQF में डालकर इसका प्रोसेसिंग करना, सॉर्टिंग करना, उसका पैकेजिंग करना और इसका वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करना, इसके लिए इन्वेस्टर आगे आएंगे और कुछ पायलट प्रोजेक्ट एक एक डिस्ट्रिक्ट में अगर सक्सेसफुल होंगे तो फिर प्रोफेशनली कमर्शियली सक्सेस होंगे तो बाकी लोग भी वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये डेवलपमेंट का एक एटमॉस्फेयर, एक इकोसिस्टम हम कैसे डेवलप करें और अच्छा सीड लाकर यहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी, प्रोडक्टिविटी दोनों कैसे बढ़ाए और उसको परचेस करके उसका आंध्र प्रदेश में ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है। और मेरा अनुरोध है कि विदर्भ में दोनों एडवांटेज है, कुछ एरिया में सॉल्ट वाटर भी अवेलेबल है और कुछ एरिया में स्वीट वाटर भी अवेलेबल है। हमारे गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में जो झींगे है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, भंडारा गोंदिया जिले में भी अच्छी है, पर इसको प्रोफेशनल अप्रोच में, अभी गावरान पद्धति है इससे नहीं होगा, इसको आपको पूरी तरह प्रोफेशनल अप्रोच में इंडस्ट्री के रूप में इसको डेवलप करना होगा, तभी हो पाएगा। और इसलिए वो कैसा डेवलप करे, इसमें भारत सरकार की क्या मदद लगेगी, राज्य सरकार की क्या मदद लगेगी और हमारे ड्राई फोर्सेस का एक्सपोर्ट वर्ल्ड में कैसा होगा, इस दृष्टि से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में आप सब लोग बैठकर इसके बारे में विचार करिए। डोमेस्टिक मार्केट भी बढ़ा है और इंटरनेशनल मार्केट भी बढ़ा है, और अगर इसके कारण एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे किसानों के पास, फिशरमैन के पास डॉलर में पैसे आएंगे, और डॉलर में पैसे आएंगे तो ग्रोथ बढ़ेगी, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, और परचेसिंग पावर और ग्रोथ बढ़ेगी तो डेवलपमेंट मल्टीप्लाई होगी। तो मुझे लगता है कि जल, जमीन, जंगल और जानवर, इसके पर आधारित हमारी जो भी इंडस्ट्री है उसको विकसित करना प्रोफेशनल अप्रोच में, ये हमको सीखना होगा। ये ऐसा नहीं होगा मैं तो चला जिधर चले रास्ता, वो कोऑपरेटिव में जैसे चलता है, डाव्या उजव्या पायाचे अंगठे मारून केवल सबसिड्या घ्या, त्यांनी तुमचं कल्याण नाही होणार, वो फ्रॉड काम बंद करो। आप वेल प्लान, प्रोफेशनली डिसिप्लिन के साथ बड़े प्रमाण पर अच्छा काम शुरू करो, अपना माइंड सेटअप बदलो, नहीं तो वही अपन शॉर्टकट मारेंगे तो शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। तो हमको बड़ा बनना है। अमेरिका से आया हुआ युवक राजस्थान में जाकर 2000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर सकता है, तो विदर्भ में इतना पोटेंशियल है तो हम भी 40-50 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते। इस दृष्टि से आप इसका प्लानिंग करिए, यही मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है। काफी अच्छी चर्चा होगी, उससे जो भी फाइंडिंग निकलेंगे वो जरूर हमें बताइए, हम उसका उपयोग करके निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, ऐसा विश्वास देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।